बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको ड्यूटीज़ जो शिफ्ट वाइज होती हैं, एक शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, इस तरह से, यानी तीन शिफ्ट हैं 8-8 घंटे की, तो उसमें हम रिकॉर्ड को देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर सैटरडे संडे वीक ऑफ हो गया हमारा, इसमें अगर कोई ड्यूटी आवर्स कर रहा है तो वो 12 घंटे की ड्यूटी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डे शिफ्ट करिए या नाइट करिए, तो उसमें डी आ जाएगा। या फिर जहाँ जो नाइट शिफ्ट कर रहा है वो सैटरडे संडे, वो एन आ जाएगा। तो इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है कि ए या बी या सी शिफ्ट में जो भी आए उसके टोटल उनकी आवर्स कितने हो रहे हैं, और इसके अलावा 12 घंटे के साथ जो उनका टोटल टाइम है, यानी अगर डी या एन है, डे या नाइट, तो उनका मल्टीप्लाई 12 होगा, उसके बाद आवर्स क्या होंगे, और ए या बी या सी शिफ्ट जो कर रहे हैं उनकी मल्टीप्लाई 8 होगा आवर्स। तो इस रिकॉर्ड को मेंटेन मैंने रखे, यहाँ पर एक समरी बनाई हुई है जिसके अंदर ये सारा रिकॉर्ड आ रहा है। एम्प्लॉई जितने नेम होंगे यहाँ सारे आ जाएंगे। बेसिक अटेंडेंस शीट देखनी है अगर, वो मेरे चैनल शाबिल हम यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। फर्स्ट जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उनको ये डेज वगैरह, डेट, ये सारे फॉर्मेटिंग्स किस तरह से कर सकते हैं, ये मेरे चैनल शाबिल इस्लाम पर आएंगे। यहाँ वीडियो और यहाँ पर दिया हुआ है राइट सर्च, सर्च में आ जाए अटेंडेंस, इसमें एडवांस बेसिक से रिलेटेड जो अटेंडेंस शीट्स होंगी सारी आ जाएंगी। यहाँ पर एंटर कर देंगे आप या सर्च पे क्लिक, तो देखें इसमें आप वॉच कर लीजिएगा कंप्लीट फॉर्मेटिंग, टोटल प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव, अटेंडेंस, सैलरी, अटेंडेंस से रिलेटेड सारे फॉर्मेट आ रहे हैं। ये थोड़ी डिफरेंट है, इसमें जो हमें कैलकुलेशन करनी है वो शिफ्टिंग के हवाले से, यानी शिफ्ट ड्यूटियाँ जिनकी लग रही होती हैं, तो वो हमें देख के कैलकुलेट करना है। तो इसका एक सबसे पहले और आसान तरीका तो ये है सिंपल, कि हम अब यहाँ डेज इंटर करें, हमें डेज लिख के जो ड्रैग करेंगे वो, और फिर डेट आ जाएगी, इसके साथ ही हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसमें है कैटेगरी क्या क्या, ए बी सी शिफ्ट हो गई, फिर डे नाइट है और फिर लीव है, तो इन सभी हेडिंग्स को मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो समरी है ये थोड़े अलग तरीके से मैंने फार्मूले से निकाली है, जो बेसिक्स तरीका है पहले वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से यही हेडिंग्स कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी, फर्स्ट में आ जाएंगे, काउंट इफ। अब इस रॉ में जो रेंज है सारी वो सिलेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग फर्स्ट डे से, फिर F4 कर देंगे, कॉमा, क्राइटेरिया आ जाएगा ड्यूटी, यानी ए वाले शिफ्ट में कितनी ड्यूटी हुई है, एंटर, डाउनसाइड, ट्रैक, कंट्रोल डी। अच्छा, कंट्रोल डी से पहले इसको हम एब्सोल्यूट कर देते हैं, रो वाइज, डबल क्लिक, एडिट, और इसको जो हमने फिक्स किया हुआ है ये हम कॉलम फिक्स करेंगे। तो इधर मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ये रेंज के जो सेल एड्रेस आ रहे हैं, B6 से F6 सेल एड्रेस आ गया, और इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसको हमें डाउन साइड तो ड्रैग करना है, और राइट साइड जब हम ड्रैग करें तो ये रेंज फिक्स रहे, तो तीन दफ़ा F4 करेंगे इसको। अब देखें 3 दफ़ा F4 से क्या हुआ, कॉलम वाइज फिक्स हो गया। यानी जो सेल एड्रेस थे AF और B6 से पहले डॉलर साइन आ गया, बाकी ये रेंज सिलेक्ट करी हमने, और इसको हम रॉ वाइज फिक्स करेंगे। इधर क्लिक करके डॉलर लगा रहा हूँ मैं, 5 से पहले, यानी जो 5 रो से पहले डॉलर आ गया, रो वाइज फिक्स हो गया, एंटर। सेल के लास्ट पे आ जाएंगे, ट्रैक, और फिर अब ए जो ए शिफ्ट के थे उनका टोटल आ रहा है। इसी तरह इस सेल को हमने सेलेक्ट करा हुआ है, राइट साइड लेके जाएंगे, बी सी शिफ्ट और डे नाइट शिफ्ट, जिनके सबके नंबर्स आ जाएंगे, कितनी दफ़ा इन्होंने डे किए और नाइट किए, और लीव पे कितने थे। अब इसके अलावा यहाँ पर टोटल, अब ए बी सी शिफ्ट जो है यहाँ पर वो 8 घंटे के हिसाब से टाइम उनका, और बाकी डे और नाइट जो होगा उनका मल्टीप्लाई होगा 12। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ सम, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन के बाद ये जो ए बी सी शिफ्ट आ रही है इसको सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 8 प्लस सम, अगेन ब्रैकेट ओपन, और डे एंड नाइन शिफ्ट के जो सेल आ रहे हैं ये दोनों सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई होंगे 12।
अगर यहाँ फार्मूला क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ देख लेते हैं फार्मूला बार में। पहले हमने इक्वल सम किया ब्रैकेट ओपन, उसके बाद जो ए बी सी शिफ्ट का रिकॉर्ड था वो सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करा। हमने कहा मल्टीप्लाई करें 8 और फिर प्लस करें जो डे और नाइट शिफ्ट का रिकॉर्ड था उसको हमने कहा सम करें और मल्टीप्लाई करें 12। ब्रैकेट क्लोज एंटर, सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर और नीचे इसको ड्रैग कर देंगे। अब मैक्सिमम आवर्स जो होंगे 184 या 176, 30 डेज हैं, 31 डेज हैं यहाँ पर जो आप ड्रैग करेंगे अटेंडेंस को, तो उस हिसाब से हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे प्रिंट हुए हुए फिक्स आए, यानी ज़्यादा ओवर नहीं जाए आवर्स, 170 या 176 तक बन रहे हैं वीक ऑफ हटा के और जो डे नाइट शिफ्ट की है उसके साथ। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं जैसे 184 से ज़्यादा आए तो यहाँ पे हमें आंसर में 176 ही रखना है। तो इसके लिए फिर हम कंडीशन देंगे, ये जो फॉर्मूला आ रहा है इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, सिलेक्ट या एडिट, इसी को एडिट कर देते हैं या फॉर्मूला बार में आ जाए सम इफ ब्रैकेट ओपन, और इस सेल को हमने कहा अगर ये ग्रेटर देन 176 हो रहा है कॉमा, तो यहाँ पे हमें 176 ही चाहिए कॉमा, नहीं तो यहाँ से ये कंडीशन दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल सी और एंड में हमने कहा पेस्ट, यही कंडीशन हमें रिपीट कर दें। ब्रैकेट क्लोज एंटर, एंटर के बाद इस सेल के लास्ट पे आ जाएंगे दोबारा। अब जो ओवर 176 आवर्स हो रहे हैं उनकी जगह हमें 176 ही आंसर मिलेगा। देखिए 184 आ रहा है, अभी ड्रैग नहीं किया मैंने इसको, सेल के लास्ट में आ जाए और ड्रैग कर दें तो यहाँ पर इस तरह से उनके आवर्स आ जाएंगे। इसके अलावा ये तो हो गया एक तरीका। नेक्स्ट जो इसमें समझाना था मुझे वो ये ऑप्शन था, अगर हम अलग शीट पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब हम यहाँ एम्प्लॉय वन है तो ये सीक्वेंस भी हमारे एम्प्लॉय वन के साथ ही चल रही है, अगर मैं यहाँ एम्प्लॉय वन कर दूँ तो यहाँ एरर आ गया और यहाँ एम्प्लॉय 5 कर दूँ तो इसमें फिर हमें प्रॉब्लम आती है। इस तरह से फिर दोनों जगहों पर चेंजेस करनी पड़ती है या फिर हमारा डेटा सीक्वेंस में नहीं होता और दूसरी शीट पे हमें इस रिकॉर्ड को बनाना है। तो उसके लिए फिर एक तरीका ये हो सकता है, इसी हेडिंग्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से या फिर यहाँ इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ फार्मूला लगाएंगे हम इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन मैच ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, हमने कहा इसको लुकअप करना है 3 दफ़ा F4 कॉमा ऑल रेंज 1 टाइम F4 कॉमा 0 एक्सिट मैच ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट के साथ 7 एंड फंक्शन इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्ट के लिए कॉलन का साइन दिया, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया और शिफ्ट के साथ एंड अगेन मैच, कॉपी पेस्ट करना है इसी फार्मूले को, सेम यही स्टेप आएगा रिपीट होकर, तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं दोबारा लगा रहा हूँ, सेल आ गया फर्स्ट कॉलम वाइज फिक्स कॉमा अगेन रेंज 1 टाइम F4 कॉमा 0 एग्जिट मैच ब्रैकेट क्लोज इनडायरेक्ट का ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद काउंट इफ क्राइटेरिया जो होगा वो हमने दे दिया ए और इसको हम कॉलम वाइज फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको, सॉरी रो वाइज फिक्स करेंगे, तो यहाँ हम 2 दफ़ा करेंगे F4 रो से पहले डॉलर आ जाएगा और फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इन्वर्ट जो यहाँ पे कॉलन का साइन दिया है ये हमने रेंज ये बताइए और कॉमा फिर इसी रेंज को हमने डिफाइन किया है। यहाँ जो सिलेक्शन बनेगी वो रॉ के हिसाब से आएगी, यानी 6 से 6 कॉलन रेंज चाहिए हमें। तो A14 हमने इस सेल को चेक कर लिया, अब जो नेक्स्ट हमने मैच लगाया था यहाँ पर हम आएंगे और इसका मैं 6 हटा के 1 कर दूंगा, यानी फर्स्ट रॉ से चेक करना है। देखें यहाँ से पूरी सिलेक्शन आ गई और फिर उसके बाद सेम इसमें भी आके ये चेंजेस करेंगे 6 हटा के 1। अब इंटर करके चेक करते हैं, बिल्कुल सही है, ड्रैग करेंगे इसको राइट साइड ड्रैग करेंगे तो इस तरह से देखें सबका रिकॉर्ड आ गया और वही जो मैंने लास्ट में आपको फॉर्मूला बताया था सम का,
उस हिसाब से फिर उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं जो आवर्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए थे। अब इसमें अगर हम यहाँ एम्प्लॉय वन की जगह 5 कर दें तो इसका कोई मसला नहीं आएगा। और यहाँ पे जाएंगे, इसको हम कर देते हैं एम्प्लॉय वन। तो आप कोई भी सीक्वेंस में नहीं है, आपका इस तरह से एंट्री कर सकते हैं आप। एम्प्लॉय का नाम हो गया, कोड हो गया, उसका जो रिकॉर्ड है आवर्स का वो आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो हेल्पफुल रहेगी काफ़ी आपके लिए। प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फर्स्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी आने वाली वीडियो की इसकी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।